हेलो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास सिक्स के ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड का क्वेश्चन आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, जिसमें ए है व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। तो हमें अर्थ का ट्रू शेप बताना है कि अर्थ कैसा होता है। तो आंसर होगा अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट नॉर्थ एंड साउथ पोल। अर्थ इज अ ज्वाइंट लाइक शेप। तो अर्थ जो है पूरे तरह से स्फीयर नहीं होता है, यह हल्का चपटा होता है नॉर्थ एंड साउथ पोल पे, जिसे क्या कहते हैं ज्वाइंट शेप कहते हैं, राइट। तो देखिए ड्रॉ करते हैं यहाँ पे कैसा होता है अर्थ। तो ये है स्फीयर, तो स्फीयर के ऊपर के साइड में यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पोल्स होते हैं और ये थोड़ा चपटा होता है, राइट। और इस तरह के जो शेप है इसे ज्वाइंट शेप कहते हैं ना, राइट। इसे याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द ग्लोब। तो हमें बताना है ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब जो है पूरे पृथ्वी का एक लघु रूप होता है, यानी पूरे जो अर्थ है उसी को एक फुटबॉल शेप में दिखाना क्या कहलाता है, ग्लोब कहलाता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे ग्लोब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर। तो हमें लैटिट्यूडनल वैल्यू बताना है ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर का। तो वो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, राइट। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द थ्री हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो हमें अर्थ के थ्री हीट जोन्स बताने कौन कौन से हैं। तो वो हैं टोरिड जोन्स, टेम्परेट जोन और फ्रीजिड जोन। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो हमें इसमें बताना है पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड क्या होता है, मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड क्या होता है। देखो यार, पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड होता है ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। तो आपने देखा होगा कि ग्लोब में काफी सारे सर्कल बने होते हैं इस तरह ना, इस तरह आपको सर्कल्स दिखाई देंगे, ये पीछे एक साइड ऐसे करके पूरा गोल सा होता है, ठीक है। तो इस तरह पूरे ग्लोब में ऐसे बना होता है, तो इसे कहते हैं पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड, राइट। और अगला है मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो ऑल सेमी सर्कल ज्वाइन विच नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर टर्म्ड एज द मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड। तो देखो यार, ये है नॉर्थ पोल और यहाँ पे है साउथ पोल, तो इसे मिलाने वाले जितने भी सेमी सर्कल्स हैं उसे क्या कहते हैं, मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड कहते हैं, राइट। तो आपने ग्लोब में देखा होगा इस तरह की लाइन्स जो ऊपर से नीचे की तरफ है उसे कहेंगे मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड, और जो लेफ्ट टू राइट है उसे कहेंगे पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड। तो ये जो है पूरा सर्कल होता है और ये जो होता है सेमी सर्कल्स होते हैं जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाई डज द टोरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। तो हमें बताना है जो टोरिड जोन होता है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को क्यों रिसीव करता है, इसका रीजन बताना है। तो इसका रीजन ये है कि जो टोरिड जोन होता है वो क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। तो टोरिड जोन किसे कहते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न के बीच का रीजन होता है उसे कहते हैं टोरिड जोन। तो इस टोरिड जोन के बीचों बीच आता है आपका इक्वेटर, ठीक है, यहाँ पे बीच में इक्वेटर होता है। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर और नीचे वाला है ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न, इसके जो बीच का रीजन है वो टोरिड जोन होता है, राइट। तो यहाँ पे जो है सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, इस वजह से यहाँ पे मैक्सिमम हीट होता है, ये मैक्सिमम हीट को रिसीव करता है, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन। तो हमें बताना है जब इंडिया में 5:30 PM होता है तो लंदन में 12 क्यों बजते हैं, 12 दोपहर के 12 क्यों बजते हैं, जिसका रीजन हमें बताना है। तो इसका रीजन है कि जो इंडिया है और लंदन है वो अलग अलग डिग्री पे लोकेटेड होता है। लंदन की बात करें तो वो 0 डिग्री पे लोकेटेड होता है और इंडिया जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे लोकेटेड होता है। और एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो 1 डिग्री होता है, अगर किसी दो प्लेस के बीच में 1 डिग्री का अंतर है तो उसमें 4 मिनट का अंतर आ जाता है। कितने मिनट का, 4 मिनट का। तो देखो यार, लंदन और इंडिया में कितने डिग्री का अंतर है, 82 डिग्री 30 मिनट का अंतर है। इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करना, आप जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 330 मिनट, राइट, 330 मिनट। जब इसे आप आवर और मिनट में कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 5 आवर 30 मिनट आएगा। इस वजह से जो है जब लंदन में 12 बज रहे होते हैं तो इंडिया में कितना बजता है, 5:30 PM बजता है, क्योंकि इन दोनों में 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखना है कि 1 डिग्री जो है 4 मिनट का अंतर लाता है, ठीक है। और किन्हीं दो प्लेसेस के बीच में 1 डिग्री का अंतर है तो उसमें 4 मिनट का अंतर आता है, ठीक है। तो आप जितने डिग्री का अंतर है उसमें उतने से आप मल्टीप्लाई कर देना 4 मिनट से, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कितना समय में अंतर हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पिक द करेक्ट आंसर। इसमें तीन ऑप्शन दिया है जिसमें से एक ऑप्शन सही है। तो पहला इसमें द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, तो प्राइम मेरिडियन की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री होती है, राइट। अगला है द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, तो फ्रिजिड जोन किधर होता है, पोल्स पे होता है ना, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ जो होता है फ्रिजिड जोन होता है। फ्रिजिड मतलब होता है बर्फ जमा, मतलब कहाँ फ्रिज हो जाता है, मतलब बर्फ जम जाता है, तो उन पोल्स पे बर्फ जमा होता है, राइट। अगला है द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, तो कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो 360 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टस इज लोकेटेड, तो कहाँ होता है, वो साउदर्न हेमिस्फेयर में होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, तो ग्रिड जो है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड की वजह से बनता है। तो आपने ग्लोब में देखा होगा जो पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है, जब दोनों मिलता है तो एक ग्रिड टाइप का बन जाता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे आपको खाली स्थान दिख रहा है जिसमें बनना है। तो पहला है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज लोकेटेड, तो ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉन लोकेटेड होता है 23.5 डिग्री साउथ में। अगला है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्री ईस्ट में ये लोकेटेड होता है, ठीक है। अगला है द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, तो उसे क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको, क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। अगला है द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड, तो किधर घटता है, पोल्स की तरफ जाने पे जो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है वो डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। अगला है द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो इस तरह इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर हमने आपको बता दिए। इसके आगे के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर कुछ पूछना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए।